तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, सुपर वाले होते एक ईश्वर भगवान या खुदा, ईश्वर, खुदा ईश्वर सब एक ही होता है, ईश्वर हाँ एक ही हमने है। क्यों पूछा क्यों? दोस्तों अभी हम रक्सौल में हैं और मेरे साथ अभी साइस्ता परवीन मौजूद हैं, जो मुस्लिम समुदाय से चारों बहनें आती है। देखिए एक दो तीन और ये छोटकी जो है चार, और चारों को चारों जो है सोशल मीडिया पे एक साथ वायरल चल रही है। और अपने आप में सबसे बड़ी बात है क्योंकि इतनी कम उम्र में सोशल मीडिया पे वायरल हो जाना, ये सबसे बड़ी अपनी आप में एक काबिलियत भी है कि इतनी कम उम्र में सोशल मीडिया पे एक जगह बना लेना सबसे बड़ी बात होती है। तो आखिर इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका जो गाना है वो कौन सा वायरल चल रहा है कि सारे लोग धूम मचाए हैं और इनके पास आने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले सहिष्ठा जी आपका स्वागत है डीडी न्यूज में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग। अच्छा आपका कौन सा गाना जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है उसको सुनाइए थोड़ा। जी आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। नहीं है और है कुछ इसमें? चलिए एक और जो आप लोग का वायरल गाना चल रहा है उसको सुनाने का प्रयास कीजिए, जो भजन है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम। तू प्यार का सागर है। ये गजब का सुंदर। अच्छा ये सारा गाना जो आप लोग कहाँ डालते हैं? हम अपना हमारा YouTube चैनल है, क्या नाम? प्रवीण सिस्टर्स के नाम से। अच्छा वहाँ पे लोग आप लोग अपलोड करते हैं? जी हाँ। अच्छा बाकी जो ऑडियंस अगर आपको बोलेंगे कि आप लोग वायरल होने के लिए ये सारे चीजें कर रहे हैं, शिव जी का तांडव कर रहे हैं, उनको क्या बोलिएगा? सही आप बोल रहे हैं अभी वायरल होने के लिए, तो नहीं हम वो नहीं सोचते कि हम वायरल हो जाए। हम ये तो जरूर सोचिए, आप लोग यहाँ पे आए तो हमारी खुशनसीबी है, आप लोग आ रहे हैं, आप लोग हम सबको सपोर्ट भी कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे गा रहे हैं और बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं, तो हम उसके लिए गा रहे हैं, वायरल वो नहीं सोच रहे हैं। वायरल होगा या नहीं होगा वो तो ऊपर वाले का देन है। और आगे ऊपर वाले बताइए, एक भगवान ईश्वर, खुदा ईश्वर सब एक ही होता है, ईश्वर हाँ एक ही है। क्यों पूछा? क्योंकि लोगों को कंफ्यूज होता कि ऊपर वाले कौन से, क्योंकि यहाँ पे धर्म की बात आ जा रही है बार-बार। वही प्रॉब्लम है धर्म। तो हम धर्म के लिए कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हम सबका अपना अपना थिंकिंग है। दो भाई खड़े होते हैं कि हिंदू और एक मुस्लिम, थे बोलते हैं खुदा और दूसरा बोलता है ईश्वर भगवान, बस वही पे लफड़ा फंस जाता है। तो ये सोच पे डिपेंड करता है, हमें लड़ना नहीं चाहिए, पहले तो ये सोच लेना चाहिए कि हाँ हाँ बिल्कुल आप खुदा मानते हैं, हम भगवान मानते हैं, तो फिर भी आप अलग से एक सोच भी रखना चाहिए कि नहीं एक ही है, भले नाम अलग है, उनका अनेक नाम है, तो हम अनेक नाम से जान सकते हैं उनको, लेकिन अपने मन में ये रख सकते कि नहीं एक ही है वो। हाँ अरे कुल मिलाकर बात यहाँ पे है एक है कि पिता एक है, चाहे लोग क्यों ना अलग अलग नामों से जाने,
बाकी मेरा प्रयास जो इन लोगों के साथ कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये जो चारों की चारों लड़कियां जो अपने आगे की कार्य कर रही है, जिस कार्य के अपनी हाथ डाली हुई है कि हम आगे बढ़ेंगे, या लोगों को समझिए कि एक तरीके से संदेश भी दे रही है देशवासी को कि हम लोगों को इस मुस्लिम समुदाय से होते हुए भी हमें किसी भी कोई धर्म से मतलब नहीं है, हमें जो करना है हम एक इंसान के प्रति वो काम करेंगे कि हम एक इंसान है। जय हिंद।